तो गाइस डांस करने की तैयारी होने वाली थी, हम लोग जाने वाले थे, तो बारिश आ गया, पूरे बारिश ने यहाँ पर मौसम ख़राब हुआ था। तो मेरा पहला महीना का देख सकते हैं, स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हिंदू ब्लॉग उत्तराखंड में। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग में शाम से कर रही हूँ और अभी मैं महिला संगीत के लिए तो मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। और मैंने ये लांचा बनवाया था, बागेश्वर से खरीदा था, शॉपिंग का ब्लॉग तो आपने देखा होगा। तो मैं कैसी लग रही हूँ इस लांचा में कमेंट करके बताना। जब लिया था तो सभी ने बोला था कि आपकी चॉइस अच्छी है, आप ये कलर अच्छा लगेगा, पहन लिया है तो पहन के बताना। और अभी फिर आपको मेरा डांस देखने को मिलेगा और फैमिली मेम्बर्स का भी दिखाऊँगी। तो फिलहाल चलते हैं नीचे। इस मौसम देखो शाम के टाइम पर ख़राब होने लगी, अभी बारिश की बूंदाबांदी भी आई तो फिर से ऐसे ही होने लग गया है, बूंदे आने लगी है, काला पड़ गया बादल। तो अभी तो अपना आती है, कल नहीं आनी चाहिए बारिश, कल शादी है ना तो सारा माहौल ख़राब हो जाएगा अगर शादी में बारिश होगी।
जब ही महिला संगीत के बीच में ब्रेक मिला हुआ है क्योंकि मैंने आगे से नहीं बनाया, कॉपीराइट की वजह से हो जाता है ना, कॉपीराइट आता है ब्लॉग, इतनी मेहनत करो फिर कॉपीराइट आ जाए तो अच्छा नहीं लगता ना। तो फिलहाल अभी ना ब्रेक चल रहा है महिला संगीत के बीच में, तो अभी खाना खाने चले गए सब लोग नूडल्स, तो वो जा रहे हैं, मेरे को तो पसंद नहीं है, मैं तो नहीं खाती हूँ, तो मैं ब्लॉग के लिए जा रही हूँ, बस ब्लॉग के लिए देखने जा रही हूँ ये। और काफ़ी हैवी लहंगा हो रहा है नीचे से लोड वाला, तो पापा यहीं पर लगे हैं काम, हम देख रहे हैं यहाँ पे नूडल्स भी बने हुए हैं, बाकी वहाँ लेके थोड़ा सा यहाँ पे बचा हुआ है ये, तो वहाँ खा रहे हैं सब लोग, वहाँ लेके चलते हैं, मैं आपको वहाँ दिखाती हूँ कैसे बना है। अच्छा सब लोग खाने लगे यहाँ पर नूडल्स, ये मानसी दीदी लोग वहाँ पे है, चाचा यहाँ पे है, कैसे बना है चाचा, मेरी देख रेख में बना है, टूट गया है, गीला जगह लग रहा है। हाँ ये बाकी ठीक हो रहा है ये। हेलो बोल दे मेरे चैनल पे, आपने ही बनाया था ना चाउमीन, सब बहुत अच्छा बना है बोल रहे हैं, अच्छा बना है, हाँ तो अच्छी बात है। खाना भी अच्छा बना था, झोली भात ये, तो गए इनको चाउमीन खाने देते हैं, तब तक मैं चलती हूँ ऊपर क्योंकि मैं तो खाती हूँ नहीं नूडल, हाँ मोमोज खाती हूँ बट चाउमीन नहीं खाती हूँ, और मिस्टर जी को भी पसंद है उतना नहीं है, थोड़ा बहुत है, मिस्टर जी लोग अभी घर पे हैं नहीं तो मैं उनको दिखा नहीं पा रही अपने ब्लॉग में, क्योंकि वो लोग गए हैं गाड़ी से जाने के लिए दूल्हे की कार के लिए, तो वो लोग गए हैं, और शादी से अगले दिन ना एक जाता है सिंगियाना जाता है यहाँ से जिसे भेजना चाहो, तो उसने पहुँचाने भी बोले, और उन्हें पहाड़ में कहना है मुसगली, तो जा रहा उन्होंने पूजो ना, तो मैं
हेलमेट और ये लपट पर डीजे लाग रहा, तो डीजे में नाचेंगे अभी। कल का दूल्हा यहाँ पर खा रहा है खाना। कल का काम होने लग गया यहाँ पे, शमदी भी हो गया तैयार। ये भूमि के मम्मी पापा का नाम है, बाकी खिले बतासे और उसमें श्रृंगार का सामान है, दूल्हे का चप्पल और इसके नीचे कपड़े हैं, मिठाई भी है इसके नीचे, मिठाई काजू जो भी होता है, मतलब शगुन तो तैयार हो गया। और इसमें जब वो परखते हैं तो परखने वालों के लिए पाँच लोगों के लिए पाँच है वहाँ, तो पाँच लोगों के लिए पाँच पाँच करके कपड़े हैं। बाकी यहाँ पे दुल्हन की पैकिंग चल रही है, दुल्हन के सामान की वहाँ जाने की। तो गाइस जब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए तो मैं आपको वहीं पे मिलती हूँ। मिस्टर जी वहाँ पर गए थे और डीजे बंद करवा लिया है क्योंकि सबको खाना खाते हैं, अगर डीजे और चालू होता है तो खाने के लिए ज़्यादा लोग आते नहीं है, वहीं पर बिजी रह जाते। तो मैं ब्लॉग को कंटिन्यू वैसे सीधे रात को कर रही हूँ। मिस्टर जी भी घर आ चुके हैं, दूल्हे की गाड़ी कल सजाएंगे, मतलब उसे वॉश करवा रहे थे। और अभी मैं रात में हमारा घर कैसा दिख रहा है वो भी दिखाऊंगी। फिलहाल मैं हम दोनों आ रहे हैं खाने के लिए और लोग भी आते रह रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी आज, तो हम जल्दी आ गए यहाँ, तो खाना लोग खाना खा के वापस ऊपर जाने लगे। क्वालिटी पर कंप्रोमाइज है थोड़ा सा क्योंकि GoPro ना लो लाइट में काम नहीं करता है। तो खाने में बनी है पूरी और सब्जी और साथ में पानी चाय। ये यहाँ पर मौसी कितनी पूरी खा दी, चार ही पी थी। मतलब ये सब काम चार ही में करते हैं, चाय भी चार गिलास, पांच वो छह सात आठ दस गिलास पानी, दस गिलास पानी तो देखा है, पांच तो गाइस खाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे और मैं आपको घर का लुक भी दिखाऊंगी जो कि नाइट का, ठीक है। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिए। तो गाइस हम लोग खाना खा के ऊपर आ गए हैं, गोल्डी के लिए भी लेके आ गई थी खाना, तो इस चंदा सीढ़ी के रास्ते छोड़ के नाली के रास्ते आ रही थी, तो गोल्डी ने देखो प्लेट को एकदम साफ कर दिया। इसमें मैं इसके लिए पूरी सब्जी, कितनी पूरी लेके आई थी, सात, कितनी पूरी थी चंदा, सात पूरी थी, और लेके सब खा दिए देखो, पांच चार इसी ने खाई है अभी क्योंकि इसको भूख लगी हुई है, चावल कम खा रहा पता नहीं क्यों। और आपके पास अगर लैब्राडोर डॉग है तो वो चावल कम खाता है तो हमें कमेंट करके जरूर बता देना अगर इसके बारे में कुछ है, क्योंकि इसने ना चावल छोड़ ही दिया, लगभग थोड़ा सा कभी मीट हीट होता है तब खाता है वरना नहीं खाता है। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा डांस करेंगे और कॉपीराइट इश्यू होता है तो ज़्यादा दिखाएंगी नहीं, घर का लुक दिखाते, मैंने आपको दिखाया नहीं क्योंकि मैं खाना लेके आ रही थी ना, तो हमारा घर ऐसा लग रहा है अभी, रोड पे से भी दिखाएंगे बाद में। और ये चांदनी कितनी अच्छी लग रही है ना, पिछले हमारे शादी के टाइम पर यहाँ पर डीजे था तो ये चांदनी नहीं थी, इसलिए इस बारे मस्त लग रही है यहाँ पे लाइटिंग। तो गाइस डांस करने की तैयारी होने वाली थी, हम लोग जाने वाले थे तो बारिश आ गई है, पूरी बारिश ने यहाँ पर मौसम ख़राब हुआ था, तो यहाँ तो पूरा, और बारिश भी और टाइम की तरह हल्की नहीं, इतनी जोर वाली आ रखी है ना, तो अब पहले हम मेहंदी कर रहे हैं फिर बाद में थोड़ी बारिश रुक जाएगी तो डांस करने जाएंगे, पूरा पोपट हो गया। तो आओ अंदर चलते हैं मेहंदी लगवाते हैं। तो दूल्हे की यहाँ पर मेहंदी लगने वाली है, पर मेहंदी वाले लुक में तो उनके फ्रेंड्स हो रखे हैं ना, मेहंदी उनकी है, लुक उनका रखा, कुर्ता तो लाए थे आप पहन सकते थे, थोड़ी देरी तो पहनना था ये। तो यहाँ पे मामू जी करेंगे फोटोग्राफी और मिस्टर जी की भी लगानी मेहंदी, तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं अब मेहंदी की, ठीक है। मेहंदी की थाली रेडी हो चुकी है पूरी, तो गाइस यहाँ पे मेहंदी स्टार्ट होगी है ये, तो मेहंदी लगाते हैं फिर मिलते हैं आपको फाइनल मेहंदी के साथ। एक हाथ में फाइनली मेहंदी पूरी हो चुकी है ये, तो नाम भी दिखा दिया, भूमि मयंक। लेफ्ट कब है राइट, रुको जाना गलबगल कब है लेफ्ट कब है राइट।
रूम पे और अभी बज रहे हैं रात के एक। तो फिलहाल जितना हमने डांस किया ना उतना ब्लॉग में दिखाया नहीं है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती है और 12-13 मिनट से ज़्यादा लंबी बनती है। तो हम लोग, मैं सोचती हूँ कि आप लोग बोर हो जाते होंगे, इसलिए उतना लंबा ब्लॉग भी नहीं बनाते हैं। तो थोड़ा सा पोवर भी हो गया था बीच में बारिश होने के कारण, और फिर बाद में बारिश रुक गई थी, उसके बाद हमने खूब डांस किया। और आज तो मिस्टर जी ने भी डांस किया। तो अब कल की तैयारी करनी है, कल शादी है, तो कल जल्दी भी उठना है, सुबह नहा धो के रेडी होना है। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूं आपको जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपना ख्याल रखें। बाय बाय। Thank you.